राम रहीम को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी। पंजाब चुनाव से पहले फर्लू पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। हरियाणा सरकार ने खलिस्तानियों से जान का खतरा बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। सरकार ने सुरक्षा का आधार ADGP की रिपोर्ट को बताया है। सरकार ने कहा कि खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जा रही है। राम रहीम पंजाब में विधानसभा चुनाव से 21 दिन पहले की फर्लो पर बाहर आए हैं। चुनाव से ठीक पहले मिली फर्लो पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे और हरियाणा सरकार को घेरा था। सिरसा मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा के चुनावी राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। हालांकि CM खट्टर ने कहा था कि राम रहीम को मिली राहत का पंजाब चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल भी डेरा प्रमुख को अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए सुबह से शाम तक का आपातकालीन पैरोल दिया गया था। वह स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भी कुछ मौकों पर जेल से बाहर आए थे। राम रहीम अब तक हरियाणा के रोहतक जिला स्थित सुनरिया जेल में बंद थे।